और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। बीजेपी ने भेजे हैं हर लोकसभा में विस्तारक, मांगी है सबकी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद यूपी पर बीजेपी करेगी विशेष फोकस। विस्तारक यूपी के सभी सीटों पर जाकर जमीनी रिपोर्ट देंगे। दिसंबर तक प्रदेश संगठन को सौंपनी है ये रिपोर्ट। बड़ी खबर लखनऊ से, बीजेपी ने भेजे हैं हर लोकसभा में विस्तारक, मांगी गई है सबकी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। विशाल हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी। विशाल, अब लोकसभा चुनाव के लिए अब पूरी तरीके से और तैयारी में जुट गई है बीजेपी, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई, बहुत जल्दी नतीजे आ जाएंगे। जाहिर सी बात, अब पूरा फोकस 2024 पर, वो भी यूपी में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से फोकस कर चुकी है, और अब चुकी लोकसभा चुनाव को लेकर जो 80 सीटें हैं उनके ऊपर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए तमाम विस्तारक भेजे गए हैं। हालांकि इससे पहले भी विस्तारकों की जो रिपोर्ट है वो तलब की गई थी केंद्रीय संगठन की तरफ से, और अब दोबारा से जो है विस्तारक को भेजा गया है, और जल्दी संगठन प्रदेश संगठन को ये रिपोर्ट जो है विस्तारक देगी, और ये प्रदेश संगठन से केंद्रीय संगठन को ये रिपोर्ट पूरी जाएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये पूरा जो कवायद है ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है, और उसको लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब इस पे बीजेपी ने फोकस करना शुरू कर दिया है, और इसी को लेकर विस्तारकों को भेजा गया है। विशाल, ये कहा जाए कि अब ये विस्तारक सबकी रिपोर्ट बनाएंगे कि क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड रहा है, क्योंकि देखा गया है बीजेपी में यही देखने को मिलता है कि जब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही टिकट बांटे जाते हैं। देखिए, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि अब बिल्कुल जो विस्तारक की जो रिपोर्ट होगी वो जमीनी रिपोर्ट होगी, और उसी के आधार पर जो है बकायदा हर लोकसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी है या जो मौजूदा सांसद है उसकी क्या कुछ स्थितियां है उन सब का पूरा जो है आकलन होगा, और दिसंबर तक प्रदेश संगठन को ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जनवरी से जब टिकट का लेकर जो कवायद होगी, या ये कह सकते हैं कि बीजेपी लगभग हर सीट को लेकर जो अपना एक्शन प्लान बनाएगी, उसमें इस तरह की जो रिपोर्ट है उसका खास महत्व होगा। विस्तारकों को इसी बात के निर्देश दिए गए हैं कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर ये पूरी जो रिपोर्ट है वो तैयार करके जल्द से जल्द संगठन को दे। विशाल, तो ये विस्तारक कौन होंगे, क्या कोई विशेष नाम होगा इन विस्तारकों में? देखिए, चूंकि बीजेपी ने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के लिए विस्तारक जो है वो तैनात किए हैं, और खास बात यह है कि विस्तारकों का जो कार्य होता है वो पार्टी के जो क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं या जो मंडल के अधिकारी होते हैं उनसे अलग किया जाता है। वो विस्तारक सीधे प्रदेश संगठन को अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार करते हैं, और विस्तारकों की बकायदा ट्रेनिंग भी जो है वो कराई थी बीजेपी ने। तो ऐसे में ये अलग अलग विस्तारक भेजे जाएंगे, और इसकी पूरी जो जानकारी होती है वो प्रदेश संगठन के पास केवल होती है, और जो लोकसभा सांसद होता है या जो प्रत्याशी वहां से लड़ने वाला होता है उसको ये नहीं पता होता है कि वहां पर कौन जाकर रिपोर्ट तैयार करेगा। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि विस्तारकों से पूरी तरह से रिपोर्ट लेने के बाद ही जो। ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए।